फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में देखिए हमने क्या पढ़ा था, इसमें सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, कंडीशन हमें देनी होती है और साथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हमें करना होता है। जबकि अगर हम फॉर लूप की बात करें, जो बेसिक डिफरेंस है व्हाइल और फॉर लूप में वो यही है कि फॉर लूप बिना इनिशियलाइजेशन के, बिना कंडीशन के, बिना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लगाए भी ये काम कर सकता है। आज हम इसी को हम समझेंगे। थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में अगर मैं कहूँ, फॉर लूप जो है सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के काम आता है, किसी भी सीक्वेंस की। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो आपने लिस्ट को पढ़ा होगा, लिस्ट एक सीक्वेंस है, आपने ट्यूपल को भी पढ़ा होगा और आपने डिक्शनरी को भी पढ़ा होगा, ठीक है। और साथ में अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इन सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक्सेस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। पहले हम यही देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे सपोज एक मैं लिस्ट में ले लेता हूँ, लिस्ट वन इक्वल टू, या लिस्ट वन की जगह मैं इसको नाम दे देते हैं सिटीज, ठीक है। सिटीज नाम है यहाँ पर, सिटीज इज द नेम ऑफ द लिस्ट। और लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला सिटी का नाम लिखा दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट हमने लिखा गोवा, एंड द थर्ड एलिमेंट इज मुंबई। ओके, इज दैट क्लियर। तो यहां पर इस तरह से हमने एक लिस्ट बना ली। अब मुझे देखिए, अगर लिस्ट के सारे आइटम्स को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट और सिटीज, ठीक है। इस तरह से मैं लिख लूंगा। तो यहां पर होगा क्या, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया और यहां पर ये विंडो खुल गई है। मैं इसको टेस्ट टू में इसको नाम दे देता हूं, टेस्ट टू से हमने इसको सेव कर लिया। अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, रन करने के बाद होगा क्या, देखिए जो है इसका जो आउटपुट आ रहा है, देखिए यहां पर दिल्ली, गोवा, मुंबई, ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जो यहां पर सिटीज है, यानी कि सिटीज यानी कि सीक्वेंस है, उसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं। लेकिन अगर मुझे दिल्ली, गोवा, मुंबई इनको अलग अलग प्रिंट करना है, यानी कि वन बाय वन मुझे एक्सेस करना है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर, फॉर इस कीवर्ड का हमें यूज करना होगा। फिलहाल मैं इसको मैं क्लोज कर रहा हूं वाइल को, ओके, चलिए। तो फॉर को जो है हमें यहां पर फॉर कीवर्ड की हेल्प से हमें रन करना होगा, यानी कि लिखना होगा। उसके बाद फॉर लूप में हम जो है एक वेरिएबल का यूज करते हैं, फॉर आई। अब देखिए आई होगा क्या, मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर आई और इन, इस ऑपरेटर का हमें यूज करना होगा, फॉर आई इन सिटीज। जब मैं यहां पर आई वेरिएबल की हेल्प ले रहा हूं तो आई क्या करेगा, सिटीज इस लिस्ट के सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, दिल्ली को, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करेगा, उसके बाद थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करेगा बाय डिफॉल्ट। यहां पर जो है हमें ना इसमें इनिशियलाइजेशन हमने किया, ना हमने कंडीशन दिया, ना हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिटीज इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ये वन बाय वन एक्सेस करेगा, ये जो वेरिएबल यहां पर हमने दिया हुआ है। चलिए फिर से हम वही करेंगे, सिटीज के आगे हम कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन यानी कि यहां से फॉर का बॉडी पार्ट शुरू हो गया है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहां पर इंडेंटेशन खुद ही आ जाएगा, जैसे कि हमने व्हाइल लूप में देखा था लास्ट टाइम। और आपको भी ये ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर लूप का बॉडी पार्ट लिखें तो इंडेंटेशन को आप भूलिएगा नहीं। चलिए फॉर आई इन सिटीज, और हम कर देते हैं प्रिंट आई को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आई सबसे पहले इंडिकेट करेगा दिल्ली को, तो दिल्ली प्रिंट हो जाएगा, फिर गोवा, फिर मुंबई। चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस किया मैंने, इसको सेव किया और अब मैं इसको रन कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखिए यहां पर इस तरह से आउटपुट आएगा, दिल्ली, गोवा एंड मुंबई, अलग अलग लाइन में इसका आउटपुट आया। यानी कि पहले इसने दिल्ली को एक्सेस किया, फिर गोवा को एक्सेस किया, फिर मुंबई को एक्सेस किया। तो ये है बेसिक ऑफ द फॉर लूप। फॉर लूप इस तरह से लिस्ट को जो है, सॉरी सीक्वेंस को जो है एक्सेस करता है, किसी भी सीक्वेंस को। इसी तरह आप जो है ट्यूपल को भी एक्सेस करा सकते हैं, डिक्शनरी को भी एक्सेस आप करा सकते हैं। अब हम जो है एक स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। स्ट्रिंग सपोज मैं ले लेता हूं str1 अगेन, और इसमें मैंने लिखा स्ट्रिंग, हमने लिख लिया DEHRADUN, देहरादून, ठीक है। ये हमने लिखा स्ट्रिंग वन, str1, ये एक वेरिएबल है जिसमें क्या सेव है, स्ट्रिंग देहरादून सेव है इसमें, ठीक है। तो यहां पर फॉर आई इन str1 हम कर लेते हैं, यानी कि str1 के सारे एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा। क्या क्या एलिमेंट है देहरादून में, DEHRADUN, ठीक है, इनको भी ये एक्सेस कर सकता है। कैसे, देखिए कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर लिया, अब मैं इसको रन कर रहा हूं। जैसे ही हमने इसको रन किया यहां पर इसका आउटपुट आ जाएगा, और जो आउटपुट होगा वो जो है इस फॉर्म में होगा। देखिए डी ई, पहले इसने डी को एक्सेस किया, फिर ई को किया, फिर एच को किया, फिर आर को किया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से इसने देहरादून इस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस किया,
दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ फॉर लूप इन पाइथन. ये किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आइटरेट करता है, यानी कि एक्सेस करता है वन बाय वन. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में. फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए फिर से मैं यहां पर लिखता हूं सिटीज. ओके, सिटीज इक्वल्स टू, और यहां पर हमने लिखा जैसे कि शुरू में ही था दिल्ली. ओके, एंड देन अगेन गोवा, एंड देन क्या था मुंबई. ठीक है, तो ये हमने लिखा यहां पर. और फॉर आई इन सिटीज ये मैंने दे दिया यहां पर. ओके, अब मैं कर रहा हूं प्रिंट इसको, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर इफ का यूज कर रहा हूं, इफ स्टेटमेंट का. इफ आई इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है गोवा, तो क्या करो ब्रेक. यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर आई इन सिटीज, आई जो ये है ये आइट्रेट करेगा यानी कि एक्सेस करेगा सिटीज इस लिस्ट के एलिमेंट्स को वन बाय वन. सबसे पहले दिल्ली को ये करेगा एक्सेस, फिर गोवा को करेगा, एंड देन मुंबई को ये करेगा. लेकिन यहां पर होगा क्या इन बिटवीन, प्रिंट आई, ठीक है यहां पर ये सबसे पहले दिल्ली को प्रिंट करेगा, जैसे इसने दिल्ली को एक्सेस किया दिल्ली को प्रिंट किया, और नीचे इसने इफ की हेल्प से हमने चेक किया फॉर आई इक्वल्स टू गोवा, आई में सबसे पहले क्या होगा दिल्ली होगा. क्या दिल्ली गोवा के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो इफ के अंदर का जो बॉडी पार्ट है ये रन नहीं होगा अभी, क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स है. ठीक है, दिल्ली इज नॉट इक्वल टू गोवा, इज दैट क्लियर. तो यहां से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट दूसरा एलिमेंट अब एक्सेस होगा गोवा. ठीक है, फॉर आई इन सिटीज यानी कि अब ये गोवा को एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा गोवा. गोवा को जैसे इसने प्रिंट किया अब ये चेक करेगा फॉर सॉरी इफ आई इक्वल्स टू गोवा, अब आई में वैल्यू है गोवा, गोवा इक्वल्स टू गोवा, कंडीशन क्या है ट्रू है. जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इफ के बॉडी पार्ट में ये आ गया हमारे प्रोग्राम का फ्लो. ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो इफ के बॉडी पार्ट में आया, बॉडी पार्ट में क्या लिखा हुआ है ब्रेक. ब्रेक का मतलब क्या होता है देखिए इसको समझिए, ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप, ये टर्मिनेट करेगा फॉर लूप को, यानी कि इसके बाद अब आई जो है मुंबई के पास नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहीं पर ये टर्मिनेट हो गया. ठीक है, करके देखें इसको, कंट्रोल एस करते हैं और अगेन इसको मैं रन करता हूं और जूम आउट में इसको करता हूं. अब देखिए दिल्ली एंड गोवा यहां पर आ रहा है, मुंबई यहां पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे ही उसको गोवा मिला इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया. ब्रेक मींस टर्मिनेट फॉर लूप. ठीक है, यही होता है ब्रेक का काम. ओके, इज दैट क्लियर, आई होप कि आपके समझ में आ गया हो. अब आगे पढ़ते हैं कंटिन्यू, एक और यहां पर स्टेटमेंट है कंटिन्यू, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर चेंजेस करता हूं. ऐसा करते हैं प्रिंट को मैं नीचे लिख लेता हूं, राइट, तब आपके समझ में आएगा. ठीक है, प्रिंट, प्रिंट यहां पर हमने लिखा आई. अब ध्यान दीजिए यहां पर मैंने प्रिंट को नीचे क्यों लिखा, अभी आपके समझ में आ जाएगा. यहां पर है क्या देखिए, और यहां पर ब्रेक नहीं करते हैं, यहां पर करते हैं कंटिन्यू, सी ओ एन टी आई एन यू. ठीक है, कंटिन्यू इस स्टेटमेंट को मैंने यूज किया है. तो कंटिन्यू क्या करता है देखिए, सिंपली आप इसको ऐसा समझिए, फॉर आई इन सिटीज सबसे पहले जो है सिटीज में से ये दिल्ली को लेगा और चेक करेगा इफ आई इक्वल्स टू गोवा, दिल्ली इक्वल्स टू गोवा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम का फ्लो इफ के पास नहीं आएगा. इफ का बॉडी पार्ट कौन सा है, इफ का बॉडी पार्ट है जो इफ में ये इंडेंटेशन से हमने लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंट जो है यहां से लिखा हुआ है. तो प्रिंट किसके अंदर है, प्रिंट है फॉर का बॉडी पार्ट, क्योंकि फॉर के इंडेंटेशन में ये आ रहा है. ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इफ आई इन सिटीज, आई में दिल्ली है, दिल्ली नॉट इक्वल्स टू गोवा, तो कंटिन्यू के पास अभी ये नहीं आएगा. ठीक है, ये आ जाएगा इफ के बिल्कुल बाहर यहां पर, फॉर के दूसरे स्टेटमेंट में. फॉर का पहला स्टेटमेंट है इफ, फॉर का दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट, तो प्रिंट आई यानी कि दिल्ली को प्रिंट करेगा. ठीक है, अब फिर से अब ये क्या क्या लेगा यहां से, फॉर आई इन सिटीज फिर से अब ये ले लेगा गोवा को, अगले एलिमेंट को. जैसे इसने अगले एलिमेंट को लिया तो यहां पर क्या होगा, इफ आई इक्वल्स टू गोवा, ये कंडीशन यहां पर ट्रू हो जाएगी, गोवा इक्वल्स टू गोवा. जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये आ जाएगा इफ स्टेटमेंट के बॉडी पार्ट में, यानी कि उसके अंदर, और अंदर क्या लिखा हुआ है कंटिन्यू. कंटिन्यू करने का मतलब है स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. जो करंट आइटरेशन है उसको स्टॉप करो. अभी क्या है आई में, गोवा है, गोवा इक्वल्स टू गोवा हो गया, और जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये आ गया कंटिन्यू के पास. तो अब ये क्या करेगा, अभी जो आइटरेशन चल रहा है इसको स्टॉप कर दो. अभी क्या करना था, इसने प्रिंट भी करना था गोवा को, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि उसने करंट आइटरेशन को स्टॉप कर दिया और नेक्स्ट के साथ कंटिन्यू करेगा. अब आई किसको उठाएगा यहां से, मुंबई को उठाएगा.
अब ये फिर से चेक होगा, इफ आई इक्वस टू इक्वस टू गोवा, यानी कि मुंबई इक्वस टू गोवा, तो कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, तो फिर से नीचे आ जाएगा प्रिंट आई और ये मुंबई प्रिंट करेगा। ठीक है, एक बार देखिए इसके आउटपुट को, इसको मैं रन करता हूं, तो यहां पर देखिए इसका आउटपुट, देखिए दिल्ली एंड मुंबई, गोवा यहां पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए वो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे ही गोवा इसको मिला, गोवा इक्वस टू गोवा कंडीशन ट्रू हुई और इसने कंटिन्यू कर लिया, यानी कि उसको प्रिंट नहीं किया, फॉर का करंट आइटरेशन इसने स्टॉप कर दिया, यानी कि फॉर के जो अगले स्टेटमेंट है वो इसने रन नहीं किए, दैट इज कंटिन्यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, फॉर का एक फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, दैट इज रेंज फंक्शन। ठीक है, इसको मैं सबको मैं यहां से हटा लेता हूं, दोबारा से इसको लिखेंगे, फॉर के हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, आर ए एन जी ई, रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या है, देखिए पहले इसको आप समझिए, रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को ये जनरेट करता है, लेकिन कहां से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, और ये इंक्रीमेंट भी बाय डिफॉल्ट करेगा वन का। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने क्या, फॉर आई इन रेंज, अभी मैंने लिखा रेंज, और यहां पर मैंने दे दिया इसको लेट्स से 5 दे दिया इसको। ठीक है, और फिर से वही कॉलन का हमने यूज किया, और एंटर करने के बाद प्रिंट कर दिया आई को। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रेंज फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये बाय डिफॉल्ट जो है आई जीरो से शुरू होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन का काम क्या है, जिस भी वेरिएबल को हम यहां पर ले रहे हैं रेंज फंक्शन के साथ, उसकी वैल्यू ये शुरू करेगा जीरो से, और उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट भी करेगा, किसका इंक्रीमेंट करेगा, बाय डिफॉल्ट वन का इंक्रीमेंट करेगा, और जो भी नंबर आपने स्पेसिफाई किया है वहां पर इसको ये एंड कर देगा। क्या नंबर मैंने स्पेसिफाई किया है, 5 स्पेसिफाई किया है, तो ये 5 तक ये चलेगा, यानी कि 5 के बाद ये लूप नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर एक्चुअली मैं ये 5 को प्रिंट नहीं करेगा, मैं अभी बताता हूं आपको, पहले इसका आउटपुट आप देखिए, इसको मैं रन कर रहा हूं, सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया, तो देखिए क्या हुआ, 0 1 2 3 4। अब इसको आप समझिए, फॉर आई इन रेंज, मैंने क्या बताया, रेंज क्या करता है, जीरो से जो है बाय डिफॉल्ट शुरू करेगा और वन का इंक्रीमेंट करेगा, और कहां तक चलेगा, एक स्पेसिफाइड नंबर तक, स्पेसिफाइड नंबर क्या है, 5, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा ये, एक नंबर लेस तक ये चलेगा, 5 अगर दिया है तो 4 तक चलेगा, अगर हम चाहते हैं 5 तक चले तो मैं इसको 6 देना चाहूंगा यहां पर। ठीक है, तो 6 दूंगा तो बाय डिफॉल्ट कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा, इज दैट क्लियर, और इंक्रीमेंट भी कितने का होगा, 1 का होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको भी करके देखते हैं, कंट्रोल एस हमने किया, और इसको अगर मैं रन करता हूं, तो अब देखिए यहां पर 0 से लेके 5 तक ये रन हो रहा है। इज दैट क्लियर, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ रेंज फंक्शन। ओके, अब देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं चाहूं इनिशियलाइजेशन 0 से ना हो, मुझे चाहिए कि इनिशियलाइजेशन 3 से हो, और कहां तक हो, 10 तक हो, तो इस तरह से हम इसको दे देंगे 3 से लेके 10 तक, लेकिन अगेन ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। देखिए मैं इसको आउटपुट विंडो को मैं क्लोज कर रहा हूं, और दोबारा से इसको मैं सेव करके इसको दोबारा से रन कर रहा हूं, तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप डिफरेंस आप समझिएगा। ठीक है, यहां पर इसने क्या किया, 3 से लेके शुरू किया इसने, और कहां तक इसने चलाया इसको, 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपको यहां पर दिख रहा है 3 4 5 6 7 8 9 तक इसने इसको रन किया, यानी कि मैंने यहां पर इनिशियलाइजेशन भी यहां पर, यानी कि कहां से ये लूप चले उसको भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, और कहां तक चले, 10 तक ये चले, और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, अगेन पिछली बार की तरह ये 9 तक ये चलेगा। ठीक है, अब अगर सपोज मैं चाहूं 3 से लेकर 10 तक चले, लेकिन इंक्रीमेंट 1 का ना हो, 2 का इंक्रीमेंट हो, तो कॉमा 2 हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 2 का इंक्रीमेंट होगा, कंट्रोल एस हम करेंगे, और रन के बाद इसको हम रन कर लेंगे यहां पर, तो 3 5 7 9, देखिए 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अब 1 का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट को हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो इंक्रीमेंट है वो बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, बाय डिफॉल्ट ये इनिशियलाइजेशन इसका 0 से ये शुरू होता है रेंज फंक्शन, केवल हमें एक नंबर देना होता है कि कहां तक ये लूप चले, दैट्स इट, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा और कहां पर एंड होगा, जो नंबर हमने स्पेसिफाई किया है, लेकिन अगर हम चाहें कि इनिशियलाइजेशन कहां से हो और कितने का इंक्रीमेंट हो, वो भी हम यहां पर दे सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया हो फॉर लूप के बारे में सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।